बड़ों गुणों से छोटों को प्यार। तो दोस्तों मैं आज आ गया हूँ अपने चौधरी चरण सिंह चौक पे। जैसे कि सावन का महीना अपना ये चल ही रहा है और इस बार जो आखिरी सोमवार है वो 19 तारीख को है, उसी दिन रक्षाबंधन भी है। इसी वजह से इस बार जो भंडारों का आयोजन किया जा रहा है वो इस सोमवार को कर दिया जाएगा। और जैसे कि कल संडे या सैटरडे है, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ सैटरडे का दिन है, ऐसा मैं हाइडल के गेट पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे चौधरी चरण सिंह चौक है और इधर अपनी ये रही भैया राम प्यारी, देख लो भाई ये है राम प्यारी, मंजिल तक पहुंचा दो हमें हमारी। तो दोस्तों मैं और मेरी राम प्यारी नजारा देखेंगे, मैं खुद तो घूमूंगा ही घूमूंगा, साथ में आप लोगों को भी इस ब्लॉग के थ्रू घुमाने की कोशिश करूंगा। तो ये चलिए बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको और आगे चल के। चलो भैया दोस्तों चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको यहाँ का नजारे अभी। तो भैया देखो जैसे कि है सामने चौधरी चरण सिंह चौक और भैया कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे झंडे वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखे रहे होंगे सब लगा के अपने रखे इन लोगों ने। और भाई ये रहा चौधरी चरण सिंह चौक का अपना वो पूरी हर टाइप का, और भैया ने पता भी कर लिया कितने कितने भैया कैसे कैसे दिए झंडे ये, कितने का है वाला जो आपने पकड़ा अभी 130, कम से कम कितने का है अपने पास 20 के छोटे वाले। हाँ। तो सबसे बड़ा वाला जो देख रहा हूँ श्री राम वाला भी लिखा हुआ है, ये 180 का, सबसे बड़ा 400 का। तो भाई कुछ इस तरीके से रेड एंड झंडो के देख सकते हो आप, ये सब आपको मिल जाएंगे इस तरीके से सड़कों पर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते और दिखाते हैं, अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। तो भाई देखो एक टेंट ये लगा हुआ है श्री महादेव सेवा समिति के नाम से, ये भी बहुत बड़ा, हर साल लगाते हैं लोग भी इस तरीके का आयोजन करते हैं, काफी ठीक ठाक लगाते हैं अपने कांवड़ियों के लिए। देखो भाई यहाँ से ले सब स्टार्ट हो जाता है पूरा का पूरा, जैसे कि मैं आज भी देख पा रहा हूँ अभी भी लोग कुछ अपने धीरे धीरे खा पी रहे हैं, भंडारा चल रहा है। तो भाई ये नजारे हैं कुछ यहाँ के रोड के, आज तो फिर भी कम और जाता है और सब सेट हो जाएंगे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी, और धीरे धीरे सेट हो भी रहे हैं ये पूरे के पूरे, आपको यहाँ से लेके वहां तक सब मिलेंगे। बहुत चहल पहल रहती है यार, लास्ट सोमवार वाले दिन सैटरडे संडे बहुत चहल पहल रहती है इस रोड पे, आज तो फिर भी थोड़ी भीड़ कम है अभी, कल के दिन देखना भाई साहब यहाँ पूरा का पूरा एकदम भोलू की पूरी की लाइन लगी होगी आगे तक भीड़ होगी, सब हाई फाई एक से एक डीजे सब जा रहा हुआ है इसी रूट पे। देखो भाई इधर भी सब लगा हुआ है ये, तो भाई ये नजारे हैं, चलो आगे से यूटर्न मारेंगे, एक बार आपको यूटर्न मार के भी दिखाता हूँ। दोस्तों याद आ जाएगा उनका अपना चौराहा, चौराहा में सॉरी चौराहा, मैं यहीं से अपना राइट टर्न लेता हूँ और राइट टर्न लेके यू टर्न लेके फिर आपको दिखाता हूँ, पहले क्लोज से दिखाऊंगा। जैसे कि मुझे देखो भंडारा इधर ही दिख जाएगा आपको, यहाँ पर भी जल सेवा कर रहे हैं लोग और यहाँ फोर व्हीलर अलाव नहीं है, यहीं पर इन लोगों ने बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए, बंद कर दिया है ट्रैफिक पुलिस ने, और सिंगल वे उधर चालू है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो ये नज़ारे हैं भैया मोहल्लाबाद के इधर दिल्ली रोड के, वो आई डी व्यवस्था का रूट आ गया है राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ से अभी भोले लोग अपने वेस्ट कर रहे हैं आराम कर रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा ये भी इस तरीके से भाई साहब आ चुके हैं अपने, इधर भी भाई लोग अपने आराम करते हुए भोले के तक जो थके हुए बेचारे आए हैं काफल लेके इतनी इतनी दूर से, वो जो भारतीय सिल्वर वेयर्स भंडारी का आयोजन करते हुए। चलो आगे बढ़ते इधर आपके सारे रूम दिख जाएंगे दिल्ली रोड के जो भी जितने भी हैं, चलो बड़ा आगे भी चल के दिखाता हूँ भैया, सब तैयारियाँ जोरों पर हैं, कल के दिन यार बहुत भयंकर मेला होगा यहाँ और कल से ज्यादा होगा संडे, हाँ कल ही होगा भाई, हाँ सुबह कल के दिन भाई बहुत ही भयंकर मेला होगा, बहुत भीड़ होगी। ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल आ गया है इन टाइम के पीछे, एमपीएस स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जैसे आप देखेंगे थोड़ा बहुत दिख जाएगा, और यहाँ भी इस तरीके से सब लगे हुए हैं, सब भूले लोग जा रहे हैं अपने, ये भैया डिजाइन का एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लगा हुआ है इनका पूरा का पूरा सेटअप, देखो भाई ठीक है यार। ये आ गया मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मेन गेट है, इनकी भी तैयारियाँ चल रही है, सब सेटअप करने में लगे हुए हैं अपना इधर।
जल की सेवा चल रही है इधर इनकी, भैया जल वगैरह दे रहे हैं, देखो ऐसे की गाड़ियाँ आपको इस तरीके से भैया जल की सेवा मिल जाती है, जलजीरा वगैरह दे रहे हैं। चलिए हम भी ले लेते हैं, मेरा हम भी टेस्ट करते हैं, बाइक को साइड में लगाते हैं, भैया ने मेरे को दे दिया देखिए कुछ इस तरीके से होता है ये। चलो भाई मैं इसको पहले थोड़ा ग्रहण कर लेता हूँ। तो भैया जलजीरा में पी चुका हूँ, बाकी भैया जलजीरा बहुत ही टेस्टी था, मजा आ गया भाई। ये क्या आ गया भाई, अलग ही टेस्ट आ गया है, कैसा सीन जाता है, काफी रौनक है यार, ऐसा नहीं है, चहल पहल आज से हो चुकी है। देखो भाई ये देखो भाई, इधर भी ये सब जल की अपनी सेवा चल रही है भाई, ले लिया पीछे पी लिया मैंने अभी। देखो भाई ये सब जल की सेवा कर रहा है, इधर आ गए तुम सब आ गए। चलो भाई थोड़ा आगे चल रहे हैं, और भैया इधर भी एक जल की सेवा इधर चलते हुए। ये देखो भाई ये राजस्व विभाग की ओर से लगा हुआ है इनका पूरा का पूरा ये टेंट वगैरह, और इधर ये सेवा चल रही है। आप सभी राजस्व विभाग तहसील सदर मुरादाबाद आप सभी आवड़ी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है, जैसे कि लगा हुआ है। ये देखो भाई भंडारा जा रही है, सब भक्त लोग अपना लुफ्त उठा रहे हैं इसका। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कैसी है। चलो भैया आगे बढ़े और ऐसे ही देखो भाई, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। ये देखो भाई ये इधर लगा हुआ है, इधर सावन का तित्त भंडारा लिखा हुआ है, इधर ये प्रसाद देते हुए भैया। और ये देखो भाई कुछ ये सीन चल रहा है इधर भी, ऐसे ही इधर आपको मिल जाएंगे लगे हुए। बहुत रौनक यार आज के दिन भाई, आपको पूरा का पूरा पूरी रोड पे ऐसी चहल पहल दिखेगी। ये देखो भैया एक यह भोले की सेवा, इधर प्रसाद पीछे रखा हुआ है, केले रखे हुए हैं यार भरपूर मात्रा में, और इधर भी जल की सेवा चल रही है। लोग यार पानी ज़्यादा मांगते हैं, पीने के लिए ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए जलजीरा वगैरह या ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे ये लोग अपना देते हैं पहले। चलो भाई एक इधर ये भी लगा हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, बछाड़े पड़ रही हैं इस तरीके से भाई साहब आपको दिख जाते हैं। ये हैं भाई नज़ारे कुछ यहाँ के दिल्ली रोड के, देखा पीछे से लेके पूरा आगे तक चौधरी चरण सिंह चौक तक भैया, इस तरीके से सब ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं। देखो एक इधर लगा हुआ है ये, चलो थोड़ा और आगे चलें और दिखाएं आगे चल के। इधर भी देखो भाई ये सब सीन, कुछ साफ़ सफाई भी होती है, भैया नगर निगम भी बहुत मदद कर रहा है पूरी पूरी साफ़ सफाई की वजह से भैया इधर ये जल की सेवा करते हुए। ये देखो भाई चलो देखो, देखा ये भैया कुछ इस तरीके से नज़ारे। जो लोग यार लाइन पार से उधर रहते हैं अंदर शहर में, उन तक अगर किसी तक मेरी वीडियो पहुंचती है और वो आ नहीं पाते इतनी भीड़ भाड़ में इतनी दूर से, तो भैया वो अपने घर में बैठ के हमारे इस ब्लॉग को देख के इंजॉय कर सकते हैं और पूरा का पूरा दिल्ली रोड का नज़ारा देख सकते हैं। तो भैया ऐसे कोई और लोग जो इच्छुक हो देखने के, आप उन लोगों को भैया वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और घर बैठे बैठे उन्हें दिल्ली रोड के नज़ारे दिखा सकते हैं। पांचवा विशाल भंडारा है, अच्छा इनका पांचवा विशाल भंडारा है पंकज सक्सेना जी की तरफ से, और इनकी सब पूरी पार्टी के जितने भी सदस्य है कमेटी के, तो वो लोग भैया देखो भोले बाबा की आप मूर्ति देखो कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है भैया भोले बाबा के सामने। देखो भोले बाबा विराजमान है चलम पीते हुए, साथ में हनुमान जी भी है, गणेश जी भी है, राम जी भी है, कुछ ये सेटअप है भैया इनका पूरा का पूरा था। चलो यार आगे चलते भैया, कुंदन पेट्रोल पंप। तो ये चहल पहल रहती है कुछ आज के दिन। ये देखो भाई ये कुछ नजारे आज के सैटरडे के दिन के, जैसे कि कल अपना संडे है परसों को सोमवार है। ये भैया इधर ये खाते श्याम बाबा भोलेनाथ इनका का पूरा सेटअप लगा हुआ है, इनका भी पूरा पंडाल लगा हुआ है इधर ये। चलो थोड़ा और आगे चलें और दिखाएं आपको। और ये मैं आ गया हूँ थोड़ा आगे पुलिस चौकी की तरफ, अमर उजाला से आगे कुंदन पेट्रोल पंप से आगे की है। ये भैया वहाँ के नज़ारे हैं कुछ, ये देखो भाई किसान, ये देखो ये टेंट लगा हुआ है, ये कौन है जागृति के सब एक छोड़ अच्छा, और ये लगा हुआ है नगर निगम लगा
समस्या से भी भक्तों का यहाँ पर इनका भी भाई ठीक ठाक है, पूरा का पूरा सेटअप ये देखो भाई, एक सेटअप ये है पूरा का पूरा अच्छे खासे बढ़िया व्यवस्था है इनकी भी, ऐसा नहीं है अच्छी व्यवस्था ये भैया भंडारा जी की तरफ से श्री महादेव सेवा समिति की ओर से देखो भाई, भंडारा भी जा रही है लोग प्रसाद का अपने ग्रहण करते हुए, ये देखो भैया सब प्रसाद लेने में व्यस्त हैं, चलो दे रहे हैं आगे चल रहे हैं, क्या दे रहे हैं भैया पूरी तहरी दे रहे हैं, ठीक है भाई पूरी आलू पूरी की सब्जी है, तहरी भी है, सही है यार, ये नगर निगम हाथ वाल भाई साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है, जगह जगह नगर निगम वाले भैया अपना जो भी लोग गंदगी मतलब पतले वगैरह खा रहे हैं उनको हाथ वाल सब साफ करते जा रहे हैं, चलो भाई ठीक है यार, दोस्तों देखा आपने कैसा गहला रहता है आज के दिन। तो दोस्तों जैसा कि आपने भी देखा मैंने आपको पूरा गावन से लेकर यहाँ तक चौधरी चरण सिंह चौक करके नजारे दिखाए, और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, आज ही फॉलो करें, और किसी जो इस तरीके की वीडियो देखना चाहता भैया उसको शेयर करके आप दिखा सकते हैं पूरे पूरे नजारे। दोस्तों भाई मौसम देखो, मौसम कितना सुहाना हो गया यार, एकदम बरसात जैसा क्योंकि मौसम है, समय बादल ही बादल है और बहुत ही अच्छी रौनक है इस समय हमारे शहर मुरादाबाद में, देखो भाई बादल देखो इतने घने एकदम काले बादल आए, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी एकदम बरसात हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगली ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।